लाचार बुजुर्ग हैं, चाहे महिला है, पुरुष है, जो बेसहारा है, या फिर कोई इसे है, मतलब भाई ठीक है, बालक भी, उनका काम नहीं चल रहा, जो बेचारे तंग हैं, तो भाई सर्दी में इनकी कोशिश है, बढ़िया कंबल है, खुद साथ में दम लेकर आए हैं। आपने करना के है, आपका सहयोगी भी यू चाहिए पब्लिक का, आपके आस में, पड़ोस में, गांव में, गुआंड में, रिश्तेदारी में, कड़ियाँ भी, जो लाचार बेसहारा बुजुर्ग आपने लग गए, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका गांव, उसका जिला, उसकी तहसील, और कंबल सिर्फ 100 हाज ये इसलिए ले आए हैं ताकि 1 दिसंबर तक बांटने शुरू कर देंगे भाई। 1 दिसंबर तक शुरुआत हो, 30 तक हम नाम लेवाएंगे, और नहीं तो भाई बाद में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 30 तारीख तक लिस्ट बना दे जाऊँगे डेली कितने ऐड होंगे, दबाया का शेयर करनी हो शब्द आज पहली बार कमा, क्योंकि ये कंबल उरे इधर है, इनमें तो एक नहीं घटा, जब तक आप शेयर नहीं करोगे आप पता नहीं दोगे। या सारे भाई इकट्ठे बात कहोगे, क्योंकि यह वीडियो जितने घनी तक घनी शेयर होगी ना, उतने घने परिवार का हमने बेरा लगेगा, उतनी मदद पहुँचास कहाँ तक। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खड़े भाई पानीपत, और 4-5 दिन तो थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस कारण वीडियो नहीं आ पाई। मैंने कमेंट पढ़े थे, कई भाइयों के कमेंट आने लग रहे थे भाई आंदोलन पर वीडियो नहीं आ रही, आंदोलन जब तक चलेगा चैनल साथ है, क्योंकि जब 1 साल तक साथ में तो आगे भी साथ रहेंगे। तबीयत खराब होने का कारण बस कुछ जो पुरानी वीडियो पड़ी थी वो डाला थे, इस करके ने सच्चाई यह है। आज पानीपत अपना आने का मकसद गया, पीछे देखने लग रहे हो सचिन भाई है, धर्मेंद्र जी हैं, सुमित फौजी है भाई, और दिनेश यादव अपने कंप्रेसर मिस्त्री हैं, दो भाई और इनका भी परिचय सारे का करवावा। आप पीछे कंबल देखने लग रहे हो, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, और लगातार चैनल की भी मुहिम जो लगातार चलने लग रही है, लेकिन जब तक तो फौजी भाई फील्ड में आए हैं, यानी वो एक जो इनका टैग बनाया देश सेवा के साथ समाज सेवा, धरातल लेवल पर आएगा, इन जो सेवा करने का एक बीड़ा उठाया है, कामयाबी भी मिली है, लोगों ने बड़ी वह चीज़ पसंद भी करी है, और सर्दी का मौसम आ गया तो कुछ सोचा सर्दी के बारे में, तो सारे भाइयों ने डिस्कस करके ने एक सिस्टम सोचा भाई क्यों ना, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं 60 साल 65 साल प्लस जिनकी एज है, चाहे हमारे दादा और हो, चाहे दादी और हो, दादे ताऊ ताई, मतलब जो भी बुजुर्ग हैं 60 प्लस के, और जो बेसहारा है, सचिन भाई ने डिस्कस करें इन चीज़ों में, हमारे सबके आपस में वार्तालाप करें इस चीज़ पे, जो बेसहारा है, जिनके भाई औलाद नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि राशन पानी की तो मदद होती रहो है, तो ई व्यू जो जाडा है क्या सर्दी आएगी, जिसमें भाई जरूरी है, लेकिन बात होया करें भाई अपनी तरफ तय, तो उन्हें कहा करें भाई दान श्रद्धा सम्मान जो पुग्या, इन भाइयों ने सलाह करी कि भाई कंबल देवांगे, और कंबल आपने दिखावांगे, मतलब भाई ये नहीं कहते जो मनु टॉप हाई क्वालिटी के हैं, उन्हें कहा करें भाई जितना जड़े तक हो क्या, एक आज भाई एक बार थोड़ा नज़दीक तो दिखाई दिए, एक कंबल कोई भी उतार के देख भाई, मतलब ठीक क्वालिटी है और मोटा भी है, फौजी पीछे थोड़ा, और करीब 1.25 किलो वजन है भाई एक कंबल में, सिंगल का कंबल है, डबल नहीं है, 1.25 किलो। किस तरीके से बात बनी है, किस तरीके से ये बैठे जाओगे, इंट्रोडक्शन भी करवावांगे, बात भी करवावांगे, तो सचिन भाई राम राम। राम राम सोनू भाई, तो एक बार इंट्रोडक्शन सारे का। हाँ भाई, सुमित है, बापड़ोदित है, जज्जर है, हाँ जज्जर में भाई साहब हैं, धर्मेंद्र इंस्पेक्टर हैं, सोनीपत हैं, भाई राजेश हैं, बोरते हैं, और हाँ रोहतक है भाई साहब, तांतेरा नवीन भाई है जो आज पहली बार आए हैं, रिंडाणा गांव तो फौजी हैं, छुट्टी आ रही थी एमएलए वाला गांव, हाँ रिंडाणा फौजी है भी, हाँ आर्मी में ही है भी, और ये हमारे देसी फौजी देसी कमांडो हमारा ताऊ कहले दिनेश यादव, कंप्रेसर एयर कंप्रेसर मिस्त्री, इनकी खासियत है भाई स्कूटी पर 200-200 किलोमीटर भी चले जाऊँ, जस भाई इतना ही, इनके बारे में कुछ घनी कहने की जरूरत नहीं, ये होगी हाँ जी सच्चाई होगी, हाँ बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल। तो सचिन भाई किस तरीके का मतलब दिमाग में ये चीज़ आई कि ईब थोड़ा सर्दी शुरू होगी तो यू करना है? सोनू भाई जो अगर मैं और भाई साहब वहाँ इकट्ठे दिल्ली ड्यूटी है, दोनों आ गई आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर आप तो बात हुई, और कुछ और साथी हैं जो आज नहीं आ पाए किसी न किसी कारणवश, उन तो आपस में जो पर्सनल हैं साथी उन तक बात हुई थी, तो उनने कही ठीक है अपने ग्रुप में जो सहयोग चल रहा है ना, खेल पढ़ाई और राशन, इस तरह अलग कुछ योगदान मतलब और भी समाज में करा जा, जिनका जैसा जुगाड़ हो उस हिसाब से अपने सहयोग करा जा। तो यू जो आज अपने काम करे इसमें ग्रुप की, मतलब इस चीज़ में ग्रुप की मदद नहीं है? हाँ इस चीज़ में ग्रुप की नहीं है, बाकी जो ग्रुप तो सदस्य जुड़े मतलब जो पर्सनल जानकार है ना, पर्सनल हमारी जानकारी में है, पर्सनल यार दोस्ता तो कुछ तो बात करी है कुछ तो नहीं करी है, उन वीडियो के माध्यम से बेरा लगेगा, तो पर्सनल जानकार तो है एक न्यूका आगरा पहले भाई आप वाली बात है, अके जो अच्छा काम शुरुआत करे ना तो भगवान साथ दे दिया अगर अपने आप पे,
तो शुरू में हमने न्यू मतलब बात ना करी थी भाई करना है के करना है मतलब कितने रुपया देगा होगा। वैसे आज आ गए थे भाई साहब ने आज रुपये दे दिए इनके काम बढ़ा के, बाकी और है सहयोग जो भाई आगा वो आता रहोगा इग। तो जो सहयोग की अपनी बात चली थी भाई वीडियो के माध्यम तो उसका क्या के कुछ रहोगा अपना पब्लिक तो सहयोग लेना नहीं लेना ना पब्लिक तो और किसी भी आदमी तो जो बाहर के है ना ग्रुप मेंबर हैं अपना सहयोग देश के हैं कोई भी जिसने अपनी मतलब श्रद्धा सम्मान एक रुपये तो लेकर कितने भी देश के हैं उस तलग पब्लिक तय कोई भी सहयोग नहीं चाहिए। पब्लिक तय एक सहयोग चाहिए है हमने मतलब जो वास्तव में ज़रूरतमंद है ना बुजुर्ग हैं उन तक मदद पहुँचानी है वो सहयोग चाहिए। गणित गणी इस वीडियो ने शेयर करके इसे परिवार का पता या तो कमेंट में या जो नंबर दवाई बिल्कुल आपने बताना चाहूँगा जिस तरीके से बताया भाई जो लाचार बुजुर्ग हैं चाहे महिला है पुरुष है जो बेसहारा है या फिर कोई इसे है मतलब भाई ठीक है बालक भी उनका काम नहीं चल रहा जो बेचारे तंग हैं तो भाई सर्दी में इनकी कोशिश है बढ़िया कंबल है खुद मसाथ मत हमले का आए हैं आपने करना के है आपका सहयोगी भी यू चाहिए पब्लिक का आपके आस में पड़ोस में गांव में गुआंड में रिश्तेदारी में कड़ियाँ भी जो लाचार बेसहारा बुजुर्ग अपने लग गए उसका नाम उसके बाप का नाम उसका गाँव उसका जिला उसकी तहसील और इतना सिस्टम उसका आप एक पर्ची पर नोट करके नंबर देवांगे नीचे वीडियो में डिस्प्ले में मेंशन करांगे नंबर दो तीन नंबर कर देंगे सचिन भाई का हो जाएगा एक दो नंबर और हो जाएंगे आपने मैसेज करके उस पर देना है और भाई आप पर भरोसा कराया जाओगा इसमें छानबीन नहीं होगी भाई उस भाई ने ऑर्डर कराया है भाई या सच्चाई है या नहीं केवल आपके जो सच्चाई लिखोगे। लेकिन दोबारा मैं फिर बताऊँ जो बेसहारा हो जिसका कुछ भी सहारा ना हो केवल उसी बुजुर्ग तक कोशिश है कि यह कंबल पहुँचे ना कि गरीब तक क्योंकि एक मुहिम है भाई गरीब तो हरियाणा में बहुत घने हो जाएंगे और पूरे हरियाणा की बात है पूरे हरियाणा में जो जिसका कोई सहारा ना हो लाचार बुजुर्ग हो उस बुजुर्ग का पता आपने देना है चाहे रोड पर बैठा हो चाहे सड़क पर बैठा हो चाहे धर्मशाला में बैठा हो कहीं भी बैठा हो किसी संस्था या आश्रम न छोड़ के पर्सनल लेवल पकड़े हैं बैठे हो उसके जिम्मेवार आप हो गए आप गलत जगह द्वारे हो या सही जगह द्वारे हो छानबीन नहीं करी जाओगी आप अपना भी नाम पता एड्रेस भेजोगे अपना फ़ोन नंबर भेजोगे और व्हाट्सएप पे इसी तरीके से भाई साहब। हाँ बिल्कुल भाई दो तीन नंबर हम दे देंगे बता भी दो डिस्प्ले में हाँ तीन नंबर दे देंगे हम जो कर एक तो है दीपक भाई का है 99-92-144-166 एक संजय दाखड़ भाई का है 89-20-63-63-73 40-5003 इनका हाँ ये तीनों नंबर डिस्प्ले मेंशन कर देंगे। एक नवीन भाई का है ग्रुप तक जुड़न खातर मेरे तक संपर्क कर सके हैं बाकी जो कंबल वाली मुहिम है ना इन तीन नंबर आप बतानी है नवीन का 89-30-39-21-83 भाई 89-30-39-21-83 यू नवीन फौजी का नंबर है जो रिंडाणा तय है जींद गुहाना में तो ये नंबर आप डिस्प्ले में मेंशन करांगे। आपने मदद सिर्फ यह करनी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है पब्लिक का यूज साची और भाई ने कहा कर रहे हैं आपका एक शेयर हमारा भी हौसला बढ़ाओगा चैनल का भी हौसला बढ़ाएगा और इन फौजी भाइयों का जो धरातल लेवल पर देश सेवा के साथ समाज सेवा कर रहे और इस तक पहला भी मदद करते आने लग रहे हैं। हालांकि अच्छा काम है मैं तो यह कहूँ भाई एक इंसानियत का नाता है अगर आप अच्छा काम ना शेयर करते होने भी आपने सोचोगे मैं क्यों करूँ तो भाई शायद फिर आपका भी सहयोग हो मान्य को नहीं आपका सहयोग इतना है इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना किसी तक चंदा लिया गया है और जिस जिसने जो भी डोनेट ईब तक इसमें करे है वो भी बिल्कुल आप तक ही बता देंगे सचिन भाई बता देंगे किसी तो कोई मांग नहीं है और पैसा की अब भी मांग नहीं है किसी तो कोई भी इन 5-10-12 जितने साथी मिल कर उन्होंने कराया है तो जिनके ईब तक फिलहाल जिन पैसे भेजे उनके सचिन भाई नाम बता देंगे भाई। जैसे ग्रुप में जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना जिनना जो पहले थे 20-22 साथी थे जिनना ग्रुप बनाया था नवीन भी उनमें मत एक हैं जो ग्रुप शुरू करने वाले हैं और सब पे भरोसा था कि भैया दौर जी दौरे फ़ोन करना है ना उन दौर फ़ोन करते वहाँ भरेंगे अगर हाँ भाई हम तैयार हैं जो भी ठीक लगा आँख मीच के गेलिया रहा करें क्योंकि न्यू भरोसा आपस में कि गलत जगह पर ना करें सही जगह पर करेंगे जो भी करेंगे काम सही दिशा में जागा। तो घने भाइया तो बात ना हो पाई जिन जिन भाइया तो बात हुई या मैसेज पढ़ करने जिन जवाब दिया ग्रुप पर मैसेज कराया था जो उनका मैं बता दूँ हूँ एक तो महिला एकता संगठन थे संतोष दलाल है बहन जी उनने 1000 रुपये वो दे दिए। एक बंटी है मेरे मतलब छोटा भाई है सोनीपत है मौसी का लड़का उसने 5000 रुपये उसने भी भेज दिए हैं। पवन है जेई चाचा हैं गाँव में तय हैं जो एक बार शुरू में भी इंटरव्यू में थे उनने 21000 रुपये मतलब देंगे वो 21000 रुपये और दिनेश है भाई साहब इनकी तरफ तो 1000 रुपये सुमित है भाई 1100 रुपये
राजेश भाई साहब की तरफ तो 500 रुपये, नवीन भाई की तरफ तो 10 कंबड़ा के पैसे, मतलब 320 का एक आया है तो 3200 रुपये इनने दे दिए। और बाकी जो कर इब पैसे मतलब किसी ने 11000 रुपये वो दिलबाग वाले, हाँ वो सारी बताऊंगा, जो कर पैसे किसी ने इब दिए किसी ने ना दिए ये तो है उनने मतलब भाई ये देंगे या जिनने दिए हैं कुछ, बाकी सारे रुपये इब धर्मेंद्र भाई साहब ने दिए हैं। उड़े जो कंबड़े आए हैं धर्मेंद्र भाई साहब हो गए ये, मतलब बाकी है सारा भरोसा इन पर है, अगर है कुछ गणा बजट है तो फौजी आदमी का, हाँ फौजी आदमी का लेव लेख सीमित हो है भाई, सीमित तनखा उनमें तो परिवार का बाकी है। और जसबीर भाई हैं अपने भादरगढ़ते हैं, जितेंद्र हैं गुरु जी हैं जो हमारे, उन तो बात हुई थी, एक जगबीर बड़क हैं चाचा हैं नेवी में शिप कैप, मतलब ये अपन मर्चेंट नेवी में शिप कैप्टन हैं, तो उनने कही थी बोला ठीक है बेटा जो भी होगा मेरे लायक बता दियो। और जो दिलबाग हैं भाई साहब पानीपत जो आपने बात करी थी उनने 11000 रुपये देने की कही है। बिल्कुल भाई दिलबाग जी उनका मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उड़ाने के बाद हमने भी वैसे पानीपत में, क्योंकि पहले जब 7-8 महीने पहले हमारी जो मुलाकात हुई थी उस टाइम दिलबाग जी आ रहे थे गुराना गांव में मदद करी, और भी 51000 रुपये दे के गए थे, मैंने वैसे फ़ोन कर लिया था, फिर उन्होंने पूछा भी था भाई क्यों पानीपत आए मैच ऐसे फौजी भाई आने लग रहे, तो भाई उन भी अपनी तरफ तक 11000 रुपये योगदान और हम बैठे थे तो दे देंगे वो उन कह दिया है। तो रही बात योगदान, एक चीज़ का मांगा गया पब्लिक पता वीडियो शेयर करने का, और एक जिम्मेवारी समझ कर आप जो डिस्प्ले में मेंशन करे जाओगे नंबर, इन नंबरों पे आपने तो सिर्फ इतना मदद करनी है, इतना योगदान देना है कि आपने बेसहारा बुजुर्ग बताने हैं, कंबल सिर्फ 100 हाज ये इसलिए ले आए हैं ताकि 1 दिसंबर तक बांटने शुरू कर देंगे भाई, 1 दिसंबर तक शुरुआत हो, 30 तक हम नाम लेवांगे और नहीं तो भाई बाद में भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, 30 तारीख तक लिस्ट बना दे जाओगे डेली कितने ऐड हुए हैं, अगर 30 तारीख तक मान लो 300 आदमियों की सूची मारा तो रहोगी तो 200 कंबल और ले जाओ, पहुंच जियो कितना तक 30 तक नाम ले होंगे, 30 तारीख तक कितने आदमी आके मतलब सूची आवे है उस हिसाब तक पूरा हरियाणा में पॉसिबल रहोगा भाई, जड़ तक संभव रहोगा, खुद फौजी भाई इन मत नहीं इनकी पूरी टीम मत 250-300 फौजी भाई जुड़ रहे हैं किसी के थ्रू, उस तक जरूर पहुँचाया जाओगा, पर दोबारा रिक्वेस्ट करना है भाई जो बेसारा परिवार है उस तक ही आप देने की कोशिश करियो। और एक और भाई रह गए थे जो दादरी तो हैं विक्रांत सांगवान, वो भी आर्मी में है, तो उनकी जो भी टीम है ना मतलब हमारे भाई है, हाँ 13-14 साल तक इकट्ठे रहा हाँ, पर दादरी के जितने भाई है ना वो भी गेल हैं, मतलब उनने न्यू कही है ये सोता एक शुरुआत करने खातर लेकर आए हैं, ये तो एक शुरुआत करने खातर ले आए हैं और भाई साहब ने इनके रुपये दिए हैं, उस तक अलग चाहे 1000 देने पड़ो चाहे कितने भी, मतलब बेसारा बुजुर्ग हो गए ना जो उन तई सारे तई मतलब वो आप पर डिपेंड है भाई, आप कितनी जिम्मेवारी समझ गए, कितनी हाँ। वीडियो शेयर करोगे तो और लोगों ने पता चलेगा वो और अपनी मतलब लिस्ट बताऊंगे, हाँ और मतलब कम में भैया तो बात हो पाई थी, जो जो मिल ले जिन तो बात होगी उन तो बात करके ना सारे, बाकी न्यूबेरा है जितने भी साथी हैं भाई हैं जो पर्सनल जाना है वह मतलब हर एक तरी अद गेलियाँ हैं, मतलब कोई दिक्कत आने वाली बात ना हो, और भाई हैं अनिल और बंटू हैं उन तभी मैंने बात करी थी आज जो कर, तो वह भी मतलब 5-5 कंबल 10 कंबल उसकी तरफ, तो फाइनेंस का काम करे अगर दिल्ली में। बिल्कुल, और भाई कह रहा आज वीडियो इसलिए बना हुआ 23 तारीख हो गया आज, हाँ 23 तारीख के 7 दिन है, 7 दिन में लिस्ट तैयार हो जाए कितने के बाकी, एक एक मिनट इनके भी विचार ले आवेंगे। तो धर्मेंद्र जी राम राम, राम राम जी, के कुछ लग गया मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है ये सामाजिक के जो हम काम कर रहे हैं पूरा ग्रुप कर रहा है, और ये देख अपनी रीति रिवाज हरियाणा की जो भाई सर्दी आते हैं तो रोड पे आदमी बैठे रहते हैं बिना बगैर काम भी होते हैं, सर्दी में मरते भी बहुत सारे हैं, और भी जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी ये काम करती हैं भाई, उड़ा के आते हैं रेलवे स्टेशन पर, हमने उनकी देख के हमने ये सोचा भाई इनका हम भी अपना ग्रुप है जो भी है भाईचारा एकता वो अच्छा हो जाए, और हम ये चाहते भाई अब ये हमने जो शुरुआत करी है और ये पूरे हरियाणा में हम कोई भी आदमी बगैर कंबल नहीं रहे, जो जिसको ज़रूरतमंद हो उसको भाई सर्दी ना लगे, सर्दी की कोई परेशानी ना हो ना कोई भैया है, हमने इच्छा है दिले से कही भैया मतलब पूरा ग्रुप चाहता है ये काम पूरे हरियाणा में अपनी मेहनत से सफल हो जाए, और एक रिक्वेस्ट है भाई सबको शेयर करके अपना मैसेज जरूर दें। बिल्कुल भाई आपकी शेयरिंग काम करेगी, इनकी कोशिश है कंबल से 1000 लग लियो, मन भी भरोसा है, भरोसा नहीं पूरा विश्वास है भाई, पीछे कम नहीं पड़ेंगे क्योंकि भाईचारा में पीछा मायने रखे, तो फौज साहब राम राम, राम राम, तो के कुछ कहना चाहोगे भाई साहब, चीन जो भी मतलब सोचे हैं ना कुछ और आता है अलग सोचे हैं, हर लोग आगे भले का ही सोचे हैं, कुछ ही सारा सोचते अगर बस हमने पॉपुलरिटी करनी है या दिखाना है दिखावट करनी है, बस लोगों का भला होना चाहिए वो किसी भी तरीके तो हो, पर जो भाई साहब ने मुहिम छेड़ी या कंबल वाली या बहुत बढ़िया है, हर साल
कम से कम भी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जो ठंड में मर जावे हैं, जिन्हें चादर तक ना मिलती और वे अब कम्बल में उड़ गए होंगे और ठंड तक बचे रहेंगे, तभी कम तक कम ठंड तक बचेंगे तो एक दो साल और ज़्यादा जीवंगे, बीमारी तक ही बचेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सोचा भाई, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तो भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, तो आपकी कुछ कहना चाहोगे भाई? ये ऐसा है जो भाईचारा एकता संगठन जो काम कर रहा है ज़मीनी लेवल पे, उससे ऊपर के लेवल पे, मतलब अब सर्दियों का टाइम है और आगे संक्रांत भी आ रही है, तो ये है कि हम अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग को कंबल देते हैं या चादर देते हैं, तो उससे हटके हमने देखा भाई रोड पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मतलब जो गरीब हैं जिनका कोई भी नहीं है भाई, उनको हम सर्दी ना लगे तो ये कंबल लेके आए हैं। तो यही है जो भाई साहब कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फल साहब आपके कहने बताओ। भाई साहब देखो, बाकी तो सब ने बता दिया, बड़े भाई हैं इनने बता दिया सारे ने जो बात थी। मेन बात ये है कि हमारी सबसे रिक्वेस्ट ये है, ये कंबल जो भी देख रहा है ये कंबल के लिए, जो बंदा मैसेज करेगा हमारे पास में, जो तीन भाइयों का नंबर दिया गया जिसके पास में मैसेज करेगा, तो वो एक्चुअल जिसको ज़रूरत है उसी का नंबर मैसेज करे, ताकि ये जो चीज़ हम लेके आए हैं, जो हम बांट रहे हैं, वो जिस जगह पे पहुंच जानी चाहिए जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा भाई, एक मिनट जिजमा भाई, जो मैसेज करेगा नहीं वो भाई मिलना भी चाहिए, सही है? हाँ, बिल्कुल भाई। आप मैसेज करे हो, आपने नहीं जानते, क्योंकि पूरा हरियाणा में पता नहीं, मतलब वह बात आपस में ना भी जानते हो। आप अगर जिम्मेवारी लेकर मैसेज करो, जब कोई कंबल देनी आओगा तो भाई साहब अपना आगे जरूर मिलियो यार, रिक्वेस्ट है, गांव का अड्डा पर मिलियो, गांव का नंबर बताएगा बस स्टैंड पे, ताकि आप उस परिवार तक उस फौजी भाई ने लेकर जाए इसको, क्योंकि आपने बताया दिया उसका भाई के बड़ा बेचारा, उसका कितना टाइम कीमती है और पूरा हरियाणा मानना है, तो आप आगे मिलोगे तो फट दे, मतलब अगला घर ना जाया जाओगा। तो मिस्त्री जी आपके क्या विचार हैं? भाई साहब सुनो जी, मेरा विचार ये है कि जो ग्रुप से मैं जब से जुड़ा हूँ, जो सचिन भाई की जो सोच है वो सबसे अलग हटके है, वो हर बार कुछ ना बिना सचिन तो नहीं रहा, सारे की सोच बढ़िया लगी नहीं, सबकी सोच बढ़िया, लेकिन जो सचिन भाई अलग से मतलब कुछ सोचते थे, अब कंबल की भी सोची है, तो सचिन भाई ने धर्मेंद्र भाई साहब के साथ मिलके सोची है, तो इनकी सोच ऐसी कि जो सोचते हैं वो बढ़िया ही सोचते हैं, तो उसके लिए तो ना करने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये बात थी, मैंने और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी। और भाई जैसे अपना हरियाणा में संस्कृति है, सकरात पर बड़े बुजुर्ग आते ही कंबल दिया करें, या भी मतलब इससे ने देख कर नहीं हो कंबल बटन की बस नहीं हुआ भाई, बात मारी चली थी मेरी सचिन भाई की सकरात की, फिर बात यह थी कि सकरात तक आधा जाडा जाएगा भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ठंड तो आज तय शुरू हो रही, और सकरात के आज अगर मैंने का चला तो आप 44 और 57 51 50 दिन पड़े, तो भाई 50 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वही बात है अच्छा काम कुएँ कर दो वही सक्रांत है, अच्छा काम पहला कर दे। दूसरी बात, सकरात पर जो समृद्ध परिवार है ना, वह भी अपने बुढ़े आते ही मतलब बुजुर्ग आते ही दे हुए हैं, उन तो अलग है ना, आस पड़ोस में एक एक दो दो बुजुर्ग आते ही आते ही दे दो, जिनका को सारा कौन है, बस मारी गए अगर मुहिम में जुड़ना है ना, तो इतना सहयोग कर सको, हमने कोई रुपया भी सा जी नाम नहीं जानते, उधर ले हुआ भी कौन है ना, आज तीन लिया है, 3 साल हो लिया हमने ग्रुप बनाए सारे भाइयों ने, क्योंकि अपने भाईचारे पर भाइया पर इतना भरोसा है, और जितना होगा ना अपने भाइया के दम पर कराएं मतलब माध्यम से, और जो भी भाई मतलब हमारी इस मुहिम में जुड़ना चाहो, एक तो उसे परिवार का पता मारता ही पहुँचा दियो, दूसरी बात है जो ठीक ठाक है, जो न्यूकर है भाई, मैं भी सहयोग करूँगा, बढ़िया काम लग गया, तो वो अपने आस पड़ोस में बांट दियो, हमारे अकाउंट मतलब रुपये तो लेने का कोई सवाल है, हाँ सवाल है पैदा नहीं होता। और भाई कई इसे भी हो जाए जो अगर फोटो तरवाने के मारे बांटते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पर देखा ना करें, ये कंबल हम अपने हिसाब से जो अगर सारे भाई मिलजुल कर मिलजुल कर छाट के ले आए, पता भी है भाई, मतलब कहा कराई साहब, तो आपने भी भरोसा हुआ, मेरे पे भरोसा हुआ, चैनल पे भरोसा हुआ, कोई वह चीज़ नहीं है कि मतलब कुछ भी, 2.25 किलो वेट है, तो आप समझदार हो, आप खुद अंदाज़ा ला लियो, आपका अगर अगर 2.25 किलो वजन का कोई अगर कंबल है 1700-1800 ग्राम का, तो आप अंदाज़ा ला लियो वो कितना भारी होगा, क्योंकि घना भारी फिर बुजुर्ग पर समय को नहीं, मान लिया अगर वो उठ कर चल या इस तरीके का, तो उसका भी कोई फायदा ना था, और भाई वह चीज़ का अगर जड़ तक आत्मा माना, तो 2.25 किलो वजन और बड़ा अच्छा कंबल है। तो ये बात थी, आपने वीडियो शेयर करनी है भाई, और आज तो नहीं कहवाएंगे, पहली बार कहाँ यूँ जो शब्द कहाँ भाई दबा कर शेयर करनी, यूँ शब्द आज पहली बार कहाँ, क्योंकि ये कंबल उरे इधर है, इनमें तो एक नहीं घटा, जब तक आप शेयर नहीं करोगे आप पता नहीं दोगे, तो या सारे भाई इकट्ठे बात कहोगे, क्योंकि यह वीडियो जितने घनी तो घनी शेयर होगी ना, उतने घने परिवार का हमने बेरा लगेगा, उतनी मदद पहुँचा सका, तो या तो भाई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी दर्शक हैं A to Z हरियाणा के, सारे भाई अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने चैनल, जो भी चीज़ यूज करो ना सोशल मीडिया की, सारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, घनिए जानी चाहिए, मतलब घनिए व्यू होने चाहिए, सीधी बात है, यह बात सही बात है भाई,
देखो वैसे आज तक कई नहीं थी, आप उठा के देखोगे 1800-1900 वीडियो भाई कई थी, लेकिन इस वीडियो पर व्यू थी, ये सीधी बात है भाई। हाँ। व्यू होंगे जदे हमारी बात आगे जाऊंगी, कम से कम 50,000 व्यू तो चाहिए हमने पता लगा उनमें, तो फिर मान ले आधा परसेंट भी दे हुए तो करीब 200-300-400 इतने तो होने चाहिए। मारी इच्छा है मतलब आप लोग ऐसे हो तो कम से कम 500 कांबड़ तो जरूर जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 जाऊंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1500 जाऊंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई शेयर करियो और आपकी सोच के कहो इन सारी बातों में आपने अपनी सोच जरूर बतानी, एक इंसानियत के नाते एक सभ्य कॉमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।